यूनिवर्सिटी में और जो सेना की मास्टर क्लास जो शोकेस बैटल होने वाली होती है वो होती है एक बड़े से ओल्ड कासल में जो वहाँ पे होता है, और उसको उसके लिए जो सारी में है वो काफ़ी नर्वस होती है। बट तभी वहाँ पे शौना मेट और नीनी जो है वो आ जाते हैं और वो भी उसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट होते हैं, जिसपे जो हमारे हीरोज हैं वो उनसे मिलते हैं। और जिसपे जो मेट है वो ऐश से पूछती है कि क्या ऐश जो है वो उसे चेयर करेगा, जिस पे ऐश जो है वो हाँ कहता है। और फिर जो ऐश है वो कहता है कि अगर नियट अगर तुम सरीना को फेस करोगे तब मैं ऑब्वियसली सरीना को ही सपोर्ट करूँगा। जिसपे जो नियट है वो सरीना से पूछती है कि क्या उसने कोई प्रोग्रेस करी आगे, जिसपे जो सरीना है वो कोई जवाब नहीं देती। और इसी पे जो उनकी जो बात है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा जो टीम रॉकेट होती है जैसी, वो भी डिसाइड करती है इस टूर्नामेंट में भेस बदल के जाने का और कार्लोस क्वीन बनने का जो उसका सपना होता है उसको पूरा करने। इसमें जेम्स और म्याओ जो होते हैं वो इससे अवेयर होते हैं और वो उसके साथ ही टूर्नामेंट में उसके पार्टिसिपेंट के लिए हाँ कर देते हैं। इसी के बाद जो सरीना है वो अपनी जो मॉम है उनको कॉन्टैक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर रखा होता है सरीना को कि वो जो शोकेस है उसको देखने ज़रूर आई है। इसी पर जो सरीना है उसको अपनी जो पहले की जो भी बातें हैं वो याद आती है, जिसपे उसने कैसे उसकी मॉम जो है उसको एक रायहोन रेसर बनने को कहती थी। बट सरीना ने जो है उनको बताया कि वो रायहोन रेसर नहीं बनना चाहती, वो कार्लोस क्वीन बनना चाहती है, और कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसी के नेक्स्ट डे जो सरीना है वो तैयार होती है उस टूर्नामेंट के लिए पूरी अच्छी तरीके से, ब्रैक्सिन सेल्वियन और पेंचम के साथ। इसी तरीके जो शौना है वो भी मतलब खुद ही से बात करती है कि मैं अभी पीछे नहीं रहूँगी। जहाँ दूसरी तरफ नीट और जो जीनी है वो भी खुद को तैयार कर रहे होते हैं उस टूर्नामेंट के लिए, और जो जैसी है वो यही सोच रही होती है कि इनका ये जो एफर्ट है ये बेकार है क्योंकि जीतने वाले तो ऑब्वियसली मैं ही हूँ। फिर इसी के बाद जो वो टूर्नामेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो सभी जो ऑडियंस है वहाँ पे आ चुके होते हैं। जिसपे जो प्लेनेट है वो इसी बात पे कमेंट करता है कि जो ये टूर्नामेंट है ये लोग जो शोकेस होते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, तो बहुत ही ज़्यादा जो ऑडियंस है वो मौजूद है। इसपे तभी जो पियर है वो वहाँ पे आ जाता है। जैसे ही जो पियर्स है वहाँ पे आता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो एलिवेटर हैं वो आते हैं, जिसपे जो पियर है वो बताता है कि जो परफॉर्मर है उनको अपनी प्रिंसेस जो की है उससे इस जो लॉक का डोर है वो खोलना पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट राउंड में जो वो जाएंगी। हालांकि एक फॉर्मेलिटी होती है। इसमें जो सरीना है उसको अपने जो एक्सपीरियंस है पास्ट के शोकेस का वो याद आता है, और वो यही चाहती है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि मैं जीतती हूँ कि हारती हूँ, बस मेन मतलब ये है कि मैं अपने प्रोटोकॉन के साथ हूँ। और इसी के बाद जो सारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपनी प्रिंसेस के से उस डोर को खोलते हैं और आगे जो स्टेज है वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे जो पियर है वो अनाउंस करता है अपने स्पेशल गेस्ट पलेर्मो को, जो कि एक फॉर्मर कार्लोस क्वीन जज भी होती है, और वहाँ पे मैनेजर के रूप में आ रखी होती है जो परफॉर्मर्स हैं उनको जज करेगी। और उनसे यही कहती है कि मैं तुमसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट करती हूँ। इस पर जो सरीना है उसको याद आता है कि पलेर्मो ने उसको पिछली बार कुछ कहा था कि जो सरीना है वो कुछ चीज़ में पीछे है, अगर वो उनको नहीं सुधारेगी तो वो आर्या को कभी भी बीट नहीं कर पाएगी। और इसी के बाद जो पियर्स है वो एक और नए मतलब उनके गेस्ट को अनाउंस करता है, जो कि आर्या होती है अपने टेलफॉक्स के साथ। वो वहाँ स्टेज पे आती है और हमारे ऑडियंस और जो परफॉर्मर है उनको बीट करती है। तो इसी के बाद जो पियर है वो अनाउंस करता है कि ये जो परफॉर्मेंस है इसमें कोई थीम नहीं होगी, और जो फ्रीवेंस जो थीम स्टाइल है वो यहाँ पे होगी। जिसमें जो क्लाइमेट है वो इस पर बताता है कि ऑब्वियसली ये ऐसे ही होगा, क्योंकि जो जज है वो ट्रेनर और उसके प्रोग्रामर के बीच के जो बॉन्ड है उसको मतलब उसको देखना चाहता है, जिससे कि उन्होंने फ्री स्टाइल जो परफॉर्मेंस है वो रखी है। जिसपे जो पियर्स है वो ऑल्सो एक हमारे जो पार्टिसिपेंट उनको एक चार्ट दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि हर एक परफॉर्मर को एक दूसरे से मतलब उनका कॉम्पिटिशन होगा, और इसमें कई राउंड होंगे जिसमें फर्स्ट राउंड में सिर्फ एक ही पोकेमॉन को यूज़ कर पाएंगे, देन थर्ड राउंड में दो पोकेमॉन, और एट द एंड फाइनल में जो भी फाइनलिस्ट होगा उसको मौका मिलेगा आर्या को चैलेंज करने का और उसके टाइटल को जीतने का। तो इसी पे जो सरीना है वो डिसाइड करती है कि वो फर्स्ट राउंड में ब्रैक्सिन के साथ जाएगी, क्योंकि उसको मेट और जो उसके अदर अपोनेंट है उनको फेस करना होता है। इसी के बाद जो फर्स्ट परफॉर्मर्स होते हैं वो होती है नीनी जैसी और कॉन्सेट, मतलब एक और अदर पार्टिसिपेंट, जिसपे जो पियर है वो एक्सप्लेन करता है कि उन्हें स्टार्टिंग तो अलग अलग से करनी है, बट जब वो अपने इस परफॉर्मेंस को फिनिश करेंगे तो उन्हें उसको साथ में फिनिश करना है। तो इसी के बाद जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो जैसे ही है वो अपने गॉर्गेस्ट को शेडो बॉल का यूज़ करने के लिए कहती है, और उसी के चलते जो नीनी होती है वो अपने स्मूचम को हार्ट स्टैम्प का यूज़ करने के लिए कहती है, जिससे कि वहाँ पे
जोनी नहीं है वो स्मूचम के हार्ट जो स्टैंप है उस पर लैंड करते हैं और उसे सॉफ्टली धीरे धीरे नीचे गिरती है, जिससे कि उसका एक जो पोज है वो बन जाता है आदमी पे। दूसरी तरफ जो कॉन्सिएटा होती है वो अपने स्क्राइपी को फोकस ब्रश का इस्तेमाल करने को कहती है, और उसी के बाद प्री ब्रेकर जिससे वहाँ पे जो स्प्रिंकल्स है वो आ जाते हैं, और इसी के बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो और आगे बढ़ती है, जिसपे जो स्मूचम का वो पाउडर स्नो का यूज़ करता है और जो स्क्रैगी है वो फोकस ब्लास्ट का, जिसपे उसी के बाद जो जेसी है वो मतलब इसके बाद ही अपने ऑर्केस्ट्रा को और सारे जो शेडो बॉल है उसका यूज़ करने के लिए कहती है, जिससे वहाँ पे जो शेडो बॉल है वो ब्लास्ट हो जाते हैं और उनसे एक पर्पल डस्ट जो है वो वहाँ पे आती है, जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो चालू रहती है। और सून मतलब पियर्स जो है वो उस परफॉर्मेंस को एंड करता है और उसको बताता है कि जो वोटिंग का टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है और जो भी लोग जो टीवी से देख रहे हैं अब वो भी अपने फ़ोन से वोट कर पाएंगे, जिसपे जो सिकम और उनकी असिस्टेंट कोरियाना डूकिन टियर्नो ट्रेवर एलेक्सा वोयला जो होते हैं वो भी अपने वोट करते हैं। एट द एंड जो जैसी ली होती है वो विनर होती है इस राउंड की, जिसपे जो नीनी है वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसका जो मास्टर क्लास का सफ़र होता है वो यहीं पे ख़त्म हो चुका होता है, और जो सरीना और लियट होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं। इसके बाद ही जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो होने वाली होती है सरीना मियट और सारा की, जो वहाँ स्टेज पे आ जाते हैं। फिर इसी के बाद जो उनका राउंड वो स्टार्ट हो जाता है और जो मियट है वो अपने स्लर्प पफ को कॉटन स्पोर का यूज़ करने के लिए कहते हैं, जिससे वहाँ पे बादल बन जाता है, और जो स्लर्प पफ और जो मियट है वो उसी के बीच में जो है वो एक साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जो ऐश है वो यही देखता है कि इनके जो मुंह वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। और उसी के बाद जो स्लर्प अप है फेयरी विंड का यूज़ करता है और अपनी पारी को जो है वो ख़त्म करता है, और जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं सरीना ब्रैक्सन, जो कि एक साथ ही में फ्लेम थ्रो का यूज़ करते हैं, और मतलब जो सरीना है वो जो ब्रैक्सन के हाथ में जो उसकी स्टिक होती है उसको साथ में पकड़ के फ्लेम थ्रो का यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ उनके इर्द गिर्द ऐसे घूमने लगता है और वो भी अपना डांस स्टार्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट सारा होती है वो अपने गैशियन को आइसक्रीम का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिससे वहाँ पे काफ़ी सारे आइसी बोल्डर आ जाते हैं जो बाद में एकदम टुकड़ों में टूट जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी स्पार्कल जो है वो आ जाती है। और इसी के बाद जो वो ट्रियो होती है वो जो तीनों होते हैं वो एक साथ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसपे जो स्लर्प है वो फेरी विंड का यूज़ करता है, जो ग्लेशियन है वो आइस क्रीम का, और ड्रैक्सन फायर ब्लास्ट का यूज़ करती है। और इसी के बाद जो इनकी परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो जाती है और जो पियर है वो वोटिंग के लिए मतलब वोटिंग अनाउंस कर देता है, जिसमें एट द एंड फाइनल पता लगता है कि जो सरीना है वो उसने राउंड को पास कर लिया है और जो सरीना है वो इस राउंड की विनर हो जाती है। फिर इसके बाद जो सरीना है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी विक्ट्री को लेके, और जो सोना है वो भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बताती है कि जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो उसके होने वाली होती है। इसी पे जो मियट है वो भी रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसका भी जो मास्टर क्लास का सफ़र है वो ख़त्म होता है, बट वो हार नहीं मानती और वो सरीना को गुड लक बोलती है, और जो नीनी है वो भी सरीना को गुड लक बोलती है उसकी कार्लो स्क्रीन बनने के लिए, क्योंकि सरीना ने जो है वो प्रॉमिस कर रखा होता है उन सबसे कि वो कार्लो स्क्रीन बनेगी। इसी के बाद जो नेक्स्ट डे जो शोना होती है वो भी अपना जो राउंड है वो जीत जाती है और जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट होने वाली होती है। इसी के बाद काफ़ी सारी परफॉर्मेंस और वोट्स के बाद जो पियर है वो जो फाइनलिस्ट है बताता है कि जो फाइनलिस्ट है उन्हें जेसली शोना और सरीना, इस पर जो बॉनी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये जो शोना और सरीना के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका मोमेंट होता है। और इसी पर जो सरीना है उसको याद आता है कि उसने शोना के साथ सोना शोना को प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ ही में जो शोकेस हाउस में एंटर करेंगे, और जो सोना है वो एट द एंड स्माइल करती है और सरीना को मतलब ऐसे ही अपनी मनी मन बता रही होती है कि ये जो शो है इसको तो मैं ही जीतूंगी जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। और एट द एंड जो हमारे फाइनलिस्ट सेमी फाइनलिस्ट हैं वो स्टेज पे आते हैं और अपनी सेमी